अजमेर में स्थित 28 दिन के झोपड़े में हिंदू और जैन मंदिर के अवशेष मिले। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग जब बीते दिन 28 दिन के झोपड़े में पहुंचे और पुष्टि की कि इस प्राचीन मंदिर में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं। निश्चित रूप से आतताइयों द्वारा मंदिर के अस्तित्व को नष्ट करने के उद्देश्य से इस 28 दिन के झोपड़े के निर्माण किया गया। ASI की रिपोर्ट्स और कुछ इतिहासविदों के मत भी इस इमारत को मंदिर होने की ही पुष्टि करते हैं। तो आज की विशेष प्रस्तुति के साथ जानते हैं कि क्या है 28 दिन का झोपड़ा की सच्चाई। लगभग 11 शताब्दी प्राचीन इमारत, 300 खंबे, खंबों पर उकरे प्रतिमाओं के अवशेष, इमारत की खिड़कियों पर बने स्वास्तिक के निशान और पूरी इमारत में मंदिर की शैली में की गई कारीगरी, ऐसी ना जाने कितनी निशानियां हैं जो चीख चीख कर इस 28 दिन का झोपड़ा के प्राचीन मंदिर होने की गवाही दे रही है। अजमेर में स्थित यह 28 दिन का झोपड़ा एक अति प्राचीन इमारत है। कहा जाता है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर को अपने अधिकार में ले लिया था और उस दौरान की नमाज अदा करने के लिए 60 घंटे में इस इमारत का निर्माण करवाया गया था और इसी कारण से इस इमारत को 28 दिन का झोपड़ा नाम से जाना जाता है। बड़े लाल पत्थरों से बनी इस इमारत के दरवाजे पर उर्दू में आयतें लिखी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दरवाजे के इतर बनी खिड़कियों पर गौर करेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से खिड़कियों पर बने स्वास्तिक को आप देख सकेंगे। अब सोचने वाली बात है कि मस्जिद कही जाने वाली इस इमारत में स्वास्तिक क्या कर रही है। इससे आगे जब इमारत में अंदर जाते हैं तो पूरी इमारत में लगभग 300 खंबे दिखते हैं। इन खंबों पर भारतीय मंदिरों की शैली की कलाकृतियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं और ये भी देखा जा सकता है कि इन खंबों पर बनी प्रतिमाओं को किस प्रकार मिटाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, ASI की रिपोर्ट्स में भी इस इमारत के मंदिर होने की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स में ये भी अंकित है कि इस 28 दिन का झोपड़ा में 2 शिलालेख भी मिले हैं। बीते दिनों जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ इस 28 दिन का झोपड़ा में गए थे तो उन्होंने खुद ये पुष्टि की थी कि ये मस्जिद असल में प्राचीन जैन मंदिर है। वहाँ स्पष्ट रूप से तीर्थंकर भगवान और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। लेकिन जितना कुछ जाली वगैरह में से दिखा तो उसमें दिखा कि कोई तीर्थंकर मूर्ति है, इस तीर्थंकर की मूर्ति का सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है, कोई क्षेत्रपाल की मूर्ति है, कोई देवी की मूर्ति है, कोई गणेश जी जैसी मूर्ति है, कुछ यक्ष जैसी मूर्तियां हैं। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो दिखा, कोई मंदिर का शिखर जैसा है, अंदर हमको चाबी नहीं होने से वहां अंदर जाने को नहीं मिला। बाकी आज हमें इसको देख करके या वहां जाने का परिश्रम एक तरह से सार्थक हुआ कि हम किसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में गए हैं और आज भी उसके कई सारे अवशेष शेष हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 28 दिन का झोपड़ा जाने के बाद क्षेत्रीय जैन समाज भी मुखर होकर यहाँ स्थित जैन प्रतिमाओं के बारे में बोल रहा है। इस क्रम में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नगर नाका मदार के मंत्री श्री विनीत जैन ने बताया कि पूर्वज बताते थे कि 28 दिन का झोपड़ा में जैन प्रतिमाएं हैं। उससे पूर्व यह जैन संस्कृति का केंद्र था और पद्मावती नगरी जो पुष्कर और इधर का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ बेहतर जिनाले हुआ करते थे। उनमें एक बड़ा जिनाले यह 28 दिन के झोंपड़े के रूप में पूर्व में यहाँ था। उसकी प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं, वो प्राचीन मूर्तियाँ अभी वर्तमान में हम गुफा मंदिर और आसपास के जो जैन मंदिर हैं वहाँ देखी जा सकती हैं। उनके अंदर उनकी प्रतिष्ठा का सन भी लिखा हुआ है और लगभग 400 से 500 साल पुरानी वह मूर्तियां हैं और यह अजमेर के अनेक जैन मंदिरों में ये मूर्तियां रखी गई हैं।
प्राचीन समय में हमारे जैन समाज के जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि ये मूर्तियाँ वो ये अढ़ाई दिन के झोंपड़े से उठाकर उनको बचाने के लिए वो यहाँ मंदिरों में स्थापित की गई थी। और ऐसी मूर्तियाँ गुफा मंदिर में 60 से 70 मूर्तियाँ हमने अपने बचपन में और आज तक देखी हैं। वहीं नगर में समाज सेवा और धर्म सेवा के लिए निरंतर कर रहे समाज सेवी और प्रबुद्ध जनों ने भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा की प्राचीनता को स्पष्ट करते हुए कहा कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में निश्चित रूप से जैन प्रतिमाएं हैं और उनके पूजन का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हाल ही में सुनील सागर जी महाराज द्वारा जो हमारा गुफा मंदिर है वहाँ पर वो स्थापित मूर्तियाँ हैं, कुछ जो खंडित मूर्तियाँ हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो उनका जो संग्रह है उसमें उसमें रखी हुई है, और अजमेर का जो म्यूजियम है उसमें भी उन मूर्तियों को रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक जैन मंदिर होने के नाते, एक वैष्णव मंदिर होने के चिन्ह मिलने के नाते और संस्कृत पाठशाला होने के नाते उस स्थान पर पूजा करने का जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। उन्होंने ढाई दिन का जो झोंपड़ा है वहाँ पर हमारी जैन मूर्तियाँ अनेकों अनेक जैन मूर्तियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई थी और वो आज भी हमारे गुफा मंदिर में विराजमान है। उसमें से कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं जो कि नीचे रखी हुई है, और कोई प्राचीन काल में यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय था जो कि बहुत विशाल पैमाने पर था, और आज हमारी इतनी सी मांग ये है कि ये जो पुरातत्व के हिसाब से जो भी हमारे चिन्ह हैं, जैन चिन्ह हैं, संस्कृत महाविद्यालय के जो भी अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पुनः जैन धर्म की मंदिर ना बने, फिर भी सब कोई विद्यालय बने, कोई महाविद्यालय, इस तरह का कोई भी मतलब स्थान बनना चाहिए जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म है और जो हमारा जैन धर्म है यहाँ पर फलता फूलता रहे। जैन समाज वहाँ स्थित प्रतिमाओं के संरक्षण और स्थित मंदिर में पूजा करने की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि जैन समाज की इस मांग पर सरकार कब सजग होगी और कब जैन समाज को उनका अधिकार मिलेगा। जैन फोकस के लिए अजमेर राजस्थान से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट।